बिहार के औरंगाबाद और झारखंड के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित अररुआ खुर्द गांव में दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगभग 15 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव के एक घर में नया सिलेंडर आया था और उसी को जलाने के क्रम में आग भभक गई और वह ब्लास्ट कर गया। इस हादसे में घर के आसपास रहने वाले लगभग 15 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, मगर 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गैस सिलेंडर टेम्पो घर से लिया गया, नया सिलेंडर था, चेक करने में माचिस में इसी तरीके से तुरंत हो गया, टाइम नहीं दिया, गैस ही हो गया, फट गया है ना। कितने लोग हैं घायल? सब 10-15 अभी तो गिनती नहीं हम किए हैं, अपना अपना परिवार के साथ ही कर रहे, करीब करीब 10-15 दिन में हो गया। किस गांव का मामला है? अररुआ खुर्द। अभी पता चला है कि अभी गैस ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ महिला हैं, कुछ बूढ़े लोग भी हैं, कुछ यंग लोग भी हैं, तो सबका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जगह से हम लोग बी ग्रुप लगा के और उसका ड्रेसिंग भी करवा रहे हैं, और कुछ कुछ सीरियस हमको लग रहा है, उसको बेहतर इलाज के लिए हम लोग एम्बुलेंस लगाए हैं, उसको रेफर कर रहे हैं। थैंक यू सर।